भारतीय मूलवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम जी और गणमान्य माननीय अतिथि सभा और मेरे सभी मेरे जो मिश्रणी साथी नजर आ रहे हैं, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय बोल, जय मूलवासी नमो बधाई। साथियों, चर्चा का जो मेन विषय है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, वो विषय है कि जो आज की मनुवादी सरकारें हैं, वो बहुजन समाज के जो हक और हुकूक का, उसको क्यों खत्म करना चाहती है। मैं सीधा सीधा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इस देश के मूलवासी हैं, उन लोगों को सदियों से, हजारों वर्षों से आर्यन लोगों ने यहाँ पे हमला करके इनको दबा के रखा और तरह तरह के इनको जो दम दी और बंदिश लगाकर अपना गुलाम बना लिया और मानसिक गुलामी भी मानसिक तौर पर इनको गुलाम बना लिया। साथियों, इन लोगों के डीएनए में, खून के डीएनए में यही है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही थी कि जो इस देश का जो आर्यन लोग हैं, उनका जो 4 साल का बेटा है, बच्चा है, वो अपना 4000 साल पुराना इतिहास जानता है और हमारे समाज का जो 40 वर्ष का बच्चा है, वो 4 साल पुराना इतिहास भी नहीं जानता। ये आज हमारे जो समाज की दशा है, इसलिए हमारे जो हक का उनका हनन हो रहा है। साथियों, मेन बात ये है कि हमारे महापुरुषों ने समय समय पर हम लोगों को लामबंद करने के लिए, हमारे हकों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। आज़ादी से पहले जो हमारे समाज की हाल थी, वो जानवरों से भी बदतर थी। बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को जानवरों से इंसान बनाया। हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जमीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं था, उनके पीछे झाड़ू बांधा जाता था, इनकी परछाई से नफरत की जाती थी, अच्छा खा भी नहीं सकते थे, पाठ पूजा नहीं कर सकते थे, किसी के साथ बहस नहीं कर सकते थे। ऐसी ऐसी बंदिशें हमारे समाज के लोगों के ऊपर लगा रखी थी, लेकिन बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखकर और हमें, हमारे समाज के लोगों को जानवर से इंसान बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ा हक उन्होंने हमें लेकर दिया, वो वोट का था। साथियों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था, उस समय से जो हमारे समाज के चमचे हैं, वो पनप रहे हैं। उनकी वजह से जो हमारे जो समाज के हक और हकूक का उनका जो खतरे में है, क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं, वो अकेला हमारे हक और अधिकारों को नहीं खत्म कर सकता। इसके लिए वो जो दुश्मन है हमारा, वो हमारे ही समाज के लोगों को यूज़ करता है। और सबसे पहले यदि हम अपने जो महापुरुष है, उसके संविधान को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो हमारे समाज के चमचे हैं, उनको अपने समाज में नंगा करना होगा। दूसरी बात, यदि हम इस चमचों को, इनका अंत करना चाहते हैं, तो हमें अपना जो पॉलिटिकल प्लेटफार्म है, उसको मजबूत करना होगा। साथियों, ये दो बातें कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने में, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, वो हर एक जो उसके पास शासन सत्ता, मनी माफिया बेटा, हर एक तरह का वो सक्षम है। तो हमारे समाज के जो बाबा साहब ने मंत्र दिया है, पढ़ो लिखो, संगठित हो, संघर्ष करो। यदि हम लोग पढ़ लिखेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, तो हमें अपने दुश्मन का जो
दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तो हम संगठित होंगे। जब हम संगठित होंगे तो जब संगठित होते हैं तो संगठन में शक्ति होती है। जब संगठन संघर्ष करता है तो संघर्ष से सत्ता पैदा होती है। और बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हमारी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो बातें हैं उन पर जरूर अमल करोगे और उसको जिंदगी में लागू करोगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ साथियों, जो सबका श्रीराम बाबा साहब जाने के बाद सबका श्रीराम ने जैसे ही हमारे लोगों को लामत किया तो जो दुश्मन था हमारा उसको एहसास हुआ कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्होंने पहले जो वोट की ताकत थी हमारे समाज ने उसको पहचानना शुरू किया। लेकिन जैसे दुश्मन को आभास हुआ कि अभी लोगों को खरीद पाना मुश्किल है तो उन्होंने एक ईवीएम का सहारा लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कहा जाता है। और साथियों, उसमें हमें ये भी नहीं पता चलता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभी आप लोगों ने सुना है कि वोट छापने वाली मशीन, और अभी तो दुश्मन ने नोट छापने वाली मशीन भी, वोट छापने वाली मशीन भी तैयार कर लिया है। उसमें तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम लोगों ने किसको वोट दिया, जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि हम लोगों ने जिसको वोट दिया उसका हमें पता होना चाहिए। साथियों, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि यदि हम लोग अपने भारतीय संविधान को बचाना चाहते हो, अपने महापुरुषों के संविधान को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें जो ईवीएम है इसका विरोध करना होगा, तभी हम अपने बहुजन समाज के लोगों का राज ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सबका श्रीराम जी ने कहा था कि राजनीति चले ना चले, सत्ता मिले ना मिले, MLA MP बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो लहर है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। जय गुरु, जय भारत, जय नमो गुरु।